हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के प्रबंधन द्वारा जल टैंकर यात्राएं चलाने के लिए जल टैंकर ओनर्स एसोसिएशन 27 नवंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। उनका आरोप है कि बोर्ड ने उनके लाइसेंस का नवीकरण नहीं करने की बात कही है। जानकारी के अनुसार WTO के महासचिव अकबर हुसैन ने कहा कि HMWS को SB प्रबंधन के अनुरोध के लिए कई दिनों तक टैंकरों के लाइसेंस को नवीनकृत करते हुए एसोसिएशन अनुरोध कर रहा था। यह प्रतिक्रिया प्रबंधन ने नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसके बाद एसोसिएशन ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाने की बात कही है।